I can completely understand why this dumb guy has such a dumb and blind audience. Guys, educate yourself. Don't make yourself look life. Very good English. अरे नहीं आती बहन के लोड़ो तुम बहन जो पहली बहन जो माइनॉरिटी में आते हो नहीं आती इंग्लिश तो फिर बहन जो आरक्षण को ब्लेम करोगे बहन जो रिजर्वेशन को ब्लेम करोगे लाइफ फूल इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड वेल ये व्हाई ऑल आर समहाउ करेक्ट द प्रोफाइल इज नॉट फेक बट दिस गाय इज कीर गिलकर यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रो दिस गाय अनिमेश अग्रवाल ए के ए 8-bit thug is absolutely a fake guy. I will prove you at the end of this video, baby. Welcome to the new video. नमस्कार मित्रों 13वीं शताब्दी में कंगेज खान ने मंगोल एम्पायर की शुरुआत की थी। मंगोल एम्पायर दिनों दिन काफी बेहतरीन एम्पायर बनते जा रहा था। मंगोल एम्पायर ने अपर पार्ट ऑफ चाइना और वर्ल्ड का काफी सारा पार्ट कैप्चर कर लिया था। मेरे आज के सदियों पुराने तुमाने ना हेलो अरे मुंबई का बारियो जाने मन क्यूटी आ भी जाओ। मंगोल एम्पायर जब इंडिया में आया जब गंगेज खान इंडिया में आया तब उसका शीघ्र पतन हो गया। पता था इंडिया में काफी अच्छे फ्रीडम फाइटर्स है। एक्टिंग नहीं हो रहा है ध्रुव राठी का बहन चोद ये रोड का वो आता है ना वायरलेस माइक है 22,000 का समझे ना कोई जज नहीं करेगा माइक को। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मंगोल एम्पायर जब इंडिया में आया तब उसका शीघ्र पतन हो गया। हाँ मुंबई रहते वैसे तो है तो बंगाल से मजूमदार है नहीं नहीं बांग्लादेशी नहीं है क्या मतलब शी तुम बता रही हो मैं शी के माँ का भोसला। हाँ हाँ तुम हॉटेस्ट फिगर बता दो ना। मंगोल एम्पायर इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाया पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के फाइटर्स। उसकी ऐसी हालत थी वो इंडिया से डरने लगा वो इंडिया से कांपने लगा। पूरे वर्ल्ड में उसका चर्चा था कि मंगोल एम्पायर के गंगेज खान ने इंडिया को कभी कैप्चर नहीं कर पाया। हरियाश कर देंगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या कर लोगी हमारी चैट लीक करके बहन की लोड़ी डॉग लाइक के फैन पे जस्टिस दिलवा देंगे कोर्ट में। 1300 शताब्दी में जब मंगोल एम्पायर पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रहा था तब वो इंडिया के तलवे चाट रहा था क्योंकि उसको पता है अगर इंडिया से हमारे ट्रेड थी वो अगर इंडिया से बंद हो जाए तो हमारे लौड़े लग सकते हैं। तुम कब आ रही हो फिर मुंबई हॉटेस्ट फिगर दिखाओ ना अपना वीडियो कॉल करे अभी तुम वीडियो कॉल करे। पहले मंगोल का जो राजा हुआ करता था वो इंडिया के तलवे चाटने आ गया और आपको तो पता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इंडिया में जब मंगोलियन एम्पायर गंगेज खान की नजर पड़ी इंडिया वालों ने उसको निकल लो उड़े पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी खाता इधर का गाता उधर का पहली टिकट निकाल और निकल वाली सिचुएशन गंगेज खान की हो गई थी। गंगेज खान काफी टेंशन में आ चुका था और उसने इंडिया को कैप्चर नहीं किया। इसी प्रकार आपको पता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसी प्रकार मंगोलियन एम्पायर गंगेज खान ने मंगोलियन एम्पायर ने कभी इंडिया पर नजर उठा कर रखनी देखी। री मैया को शाला चैट लीक करने की धमकी दे रही है बहन की लवड़ी पता है घातक भाई कौन है डान है डान पुणे के पुणे से बाहर निकलने नहीं देगा मैं तेको डान है डान समझी। हाँ चैट लीक करने की धमकी फिर से दे रही हो हमें डाग लाइक के फैन पे जैसे नहीं पता क्या तुमको बहन की लोड़ी यही पटक के चोट देंगे बंगाल से है मच्छी नहीं बनाते सिर्फ। हाँ चलो ठीक है मत आओ मुंबई मत दिखाओ तुम्हारा हार्टेस्ट फिगर अल्कोहल भी नहीं दूंगा आप तुम्हें। और आज का टाइम है आगे का देव भाई बताएंगे मैं ध्रुव टट्टी विदा लेता हूँ आपसे धन्यवाद। चल झटके वाल मैं हूँ बड़े बड़े क्रिएटर्स को गाली देके फेमस होने वाला छपरी कंटेंट क्रिएटर पायल जोन का भाई डैंक ऋषु की फर्स्ट कॉपी गाली देके फेमस होता है मादरचो तेरी मम्मी गॉडल के बूट कैंप में काम करती है लौड़े और आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले Ase12 और GodL के यौन संबंध से जो स्पर्म निकलता है ना जो नाली में गिरकर अब बड़ा हो गया स्टालवर टी स्पोर्ट्स। स्टालवर टी
स्पोर्ट्स जो कि इंडियन ऑर्ग है बट ये मंगोलियन और पाकिस्तान प्लेयर लेके अपना धंधा चलाती है, अपना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। स्टालवर्ट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग और काफी मेहनती। मेहनत तो लगती है ना इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे बॉट फॉलोअर्स मरवाने के लिए। ट्विटर पे वीआर स्टालवर्ट #VRStalwart करके इनका एक टैग है, हैशटैग है जिसपे सिर्फ खुद के ही ट्वीट्स है। मतलब एक इनका फकीर लौड़ा कोई ट्वीट भी नहीं करता इनके नाम से। स्टालवर्ट स्पोर्ट्स का कोई फैन ये वीडियो देख रहा है ना वो अपने ऑर्ग पे इतना प्राउड फील करेगा, स्टालवर्ट स्पोर्ट्स पे इतना प्राउड फील करेगा जितना इंडिया में खासकर महाराष्ट्र में लोग शिवसेना के फैंस उद्धव ठाकरे पे प्राउड फील कर रहे हैं। जब मैं स्टालवर्ट स्पोर्ट्स पे रिसर्च कर रहा था ना तब मेरे को इनकी वेबसाइट दिखी। भैया इनकी वेबसाइट इतनी स्लो है, इतनी ज्यादा स्लो है, बिल्कुल मेरे यूट्यूब करियर की तरह। इसके वेबसाइट डेवलपर का नाम है तफवान साजद। बिल्कुल आपकी गलती नहीं, स्टालवर्ट स्पोर्ट ऐसे गवार लोग हायर करोगे तो ऐसा ही होगा। ये सफवान साजद था, यही वो बंदा है ना जो औरंगजेब को फ्रीडम फाइटर बोलता है। और सबसे पहले तो मेरे को इंस्टाग्राम का ना वेरिफिकेशन अल्गोरिदम या क्राइटेरिया बिल्कुल झाट समझ नहीं आता। ऐसे चूतिया से चूतिया और को वेरीफाई करके रखे ना ये स्टालवर्ट स्पोर्ट्स। इनका प्रोफेशनलिज्म कहां दिखता है पता है? इनका जब रोस्टर अनाउंसमेंट था ना, वो रोस्टर अनाउंसमेंट में जो तुम्हारे पीका फीका लोड़ा लसन कैसे कैसे प्लेयर के नाम है जो इंडियन और गए मंगोलियन प्लेयर है, खाता इधर का गाता उधर का निकल लो वाले जो प्लेयर रखे हो ना तुम, उसमें मेरे को 3 से 4 बार ऑडियो जंगल का आवाज आ गया। जिसको ऑडियो जंगल नहीं पता ये एक म्यूजिक की साइट है जो बिजनेस और पर्सनल यूज के लिए अपना ऑडियो सप्लाई करती है। अरे चूतियो $10 का सब्सक्रिप्शन आता है वो ले लेते गांडू, नहीं तो मेरे से ले लेते मेरा एपिडेमिक साउंड का प्रीमियम दे देता भेंचोल। ए स्टालवर्ट स्पोर्ट्स योर यूट्यूब मैनेजर इज टोटली फक्ड अप मैन। तुम्हारा जो टीजर वीडियो था ना वो यूट्यूब के किड सेक्शन में रिकमेंड होता है, अरे उसको अपलोड करना सीख लो प्रॉपरली वीडियो, नहीं तो अच्छे हायर करो गवारो, जाहिल गवारो, कश्मीर को इंडिया का अलग पार्ट समझने वाले। वैसे जो स्टालवर्ट स्पोर्ट्स का जो बिजनेस मैनेज करता है ना, जो स्पॉन्सर्स लाता है, स्पॉन्सर्स देता है, जो ईमेल्स चेक करता है, तू तो कौन सा गांजा पिया रे? पटना का गांजा पिया या कसोल का गांजा पिया? तुमने पिया होगा पाकिस्तान का घर के सामने जो गांजा होगा था ना सस्ता सा, वो वाला गांजा पिया होगा। तुम्हारे 6 प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक तुम्हारी वेबसाइट और डिस्कॉर्ड, ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे 3 अलग अलग बिजनेस मेल है। पहला मेल है आपका support@stalwartesports.com, सेकेंड है ytstalwartesports@esports.com, थर्ड है help@stalwartesports.com। 3 मेल एक बिजनेस के। स्टालवर्ट स्पोर्ट्स अपने वेबसाइट पे अपनी मर्चेंडाइज भी सेल करती है, अपने खुद के कपड़े ब्रांडिंग वाले वो भी सेल करती है। मैं गया उस वेबसाइट पे, क्लिक किया वो वेबसाइट पे टी शर्ट का क्वालिटी चेक करने की, एक हांदी बाय कर लू कैसी आएगी देखते हैं। यहाँ पे बाय दिस मर्चेंडाइज का ऑप्शन आता ना सिलेक्ट करते, वो क्लिक ही नहीं होती। क्या नाम है इसकी वेबसाइट डेवलपर का? सफवान साजद। अरे भोसड़ी के, वो वेबसाइट पे क्लिकेबल बटन तो बना लेता, अरे वर्डप्रेस में इससे अच्छी वेबसाइट मैं बना देता हूँ। ऐसा गवार पे है जो डेवलपर हायर किया था इन्होंने। इनका मैं लिंक ट्री का लिंक देख रहा था। लिंक ट्री का लिंक होती है जो सभी लिंक को आपको मर्ज करके आपको एक लिंक पे देती है, जिसपे क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट कर देती है। इनके लिंक ट्री पे आप जब जाओगे ना तो लेटेस्ट वीडियो आएगा, तो लेटेस्ट वीडियो नहीं पता था वो यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट करता है सब्सक्राइब करने के लिए। अरे गवार लौड़े का मेरा स्टालवर्ट स्पोर्ट्स में आ गया, लौड़े का मेरा लौड़े। ये स्टालवर्ट स्पोर्ट्स इंडिया में बनी और इंडियन ऑर्क को टारगेट करती है। इनको पता है इंडियन ऑर्क के फैन बेस काफी ज्यादा है और इंडियन ऑर्क का सब्सक्राइबर बेस काफी ज्यादा है, तो बबलू गेमिंग YT अपनी फ्री फायर वाली DP लगा के इनके DM बॉक्स में जाएगा और स्काउट तेरा बाप हा टाइप करके आएगा, इनको पता था। सबसे पहले मैंने आपका रिज्यूमे देखा और पोर्टफोलियो देखा, सबसे पहले उसमें स्पॉन्सर्स की प्रोफेशनल ऑर्ग, तो स्पॉन्सर्स की भीख मांगना बंद करो और ऐसी चीज पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते। गवारो, प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है तुम्हारा। 1 महीने का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 1.5 लाख रुपए का, थर्ड टीयर का स्पॉन्सर, सेकंड टीयर का 4.5 लाख रुपए का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, बूट कैंप में बूट कैंप की जगह और बूट कैंप जितना स्पेस, बूट कैंप के क्राइटेरिया, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी भीख मांगना बंद करो। तुम्हारा जो वहां पे वेबसाइट दिया है ना www.stalwartesports.com, जो तुम्हारा वेबसाइट है वहां पे लिखा है www.stalwartesports.com, फिर बोलते हैं हमारे पास स्पॉन्सर नहीं। अरे गधे के बच्चे, तेरा रेज्यूमे, तेरा पोर्टफोलियो जो भी होता है बिजनेस का, अगर उसमें दो डब्ल्यू है तो कहां से वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा? वो तेरे अब्बू के वेबसाइट पे जाएगा कि तेरी अम्मी के वेबसाइट पे जाएगा? गवार, ये कश्मीर करेंगे, ये इंडिया कश्मीर करेंगे ना बहन के लड़े, ले ले बहन जो 20 साल का लड़का चोट के चला गया। देखो चल, टेल मी रे, हेलो ओनर ऑफ स्टालवर्ट स्पोर्ट्स, व्हाट यू नो अबाउट कश्मीर? डू यू नो डायनेस्टीज, हिंदू बुद्धिस्ट काराकोटाज एंड शाहमीरीज? ये वही इस्लामिक एक्टिविस्ट है बहन का लड़ा जो पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ना चाहता है। ई स्पोर्ट्स कोमल है, कोमल यू नो सॉफ्ट है,
अभी ई-स्पोर्ट्स पर, ये चूतिया भी कोई पॉलिटिशियन की नजर पड़ जाएगी फिर से ई-स्पोर्ट्स का सीन हो जाएगा। वो हेल रेंजर बेचारा उधर से चिल्लाते रहेगा, अंकित पच चिल्लाते रहेगा, एक्सकाली सा है, स्केरोसी, ये सब चिल्लाते ही रह जाएंगे बेचारे। ट्राई टू एस अनुज भैया, अनुज अमातरासू, ये सब चिल्लाते रह जाएंगे कि ई-स्पोर्ट्स इंडिया इंडिया इंडिया। नहीं, एक पॉलिटिशियन आएगा, बेंचो ट्वीट किया रिलेटेड टू ई-स्पोर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स को ही बंद करो, इसकी वजह से सीन हो रहा है। अब ये गधे का बच्चे का मेंटेलिटी ऐसा है, 1846 1970, हाउ अफगान केम, हाउ सिख रूल, हाउ लाहौर सिख रूल कश्मीर, कुछ पढ़ ले रे पहले लौड़े। आई एम कश्मीरी, आई एम इंडियन, आई नीड गोल्ड। मेरे 10,000 के 10,000 लोग ना जितने देख रहे हैं ना भैंचो, 10,000 सब्सक्राइबर, गोल्डी भाई को डीएम में फुल भर दो, रुशिंद्र सिन्हा को डीएम में अनफॉलो दैट ऑर्ग एंड बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट एसटी, फक इट भैंचो, 4 लाख ऐड में फूंक दूंगा, बॉयकॉट एसटी। ट्वीट कर रहा है एज फॉर नाउ कश्मीर इज अ इस्लामिक स्टेट एंड आई एम एथिस्ट एंड एथोफोबिक। अबे लौड़े, एथिस्ट है इस्लामिक स्टेट, डू यू हैव, तू गांजा, डोंट, ऑल किड्स आर नॉट लाइक द डीएम, स्काउट थारा बाफा इन योर डीएम। 20 साल का बच्चा दिखा रहा है इनको कल्चर, दिखा रहा तेको फ्यूचर, ये करना चाहते फीचर, हाँ तो इसकी कॉपी उसकी कॉपी तेरे बाप को बेच, तेरे बस की बात नहीं। अरे क्यों थक भाई, इसको भाव दे रहे आप लोग, ये वही है भैंचो, इसके जो दोस्त है ना वो डी, इसके कंपनी का नाम है जो ब्लॉक चेन को वो करती, ब्लॉक चेन वॉक चेन नहीं, चूतिया बना रहे, जंगली रमी जैसे ऐप बनाते हैं ये लोग क्या। हाँ अपन एक बड़े बड़े चीज पे अपन कम्पीट कर रहे हैं इंडिया वाले, तौकीर गिलकार, ओके ब्लॉक चेन एनएफटी ई-स्पोर्ट्स, जो तौकीर गिलकार है ये ऐसे लोग क्या करते हैं भैंचो, अपने आपको एनएफटी इंथुजियास्टिक और क्रिप्टो मार्केट ऐसा बता के इंडिया वालों का चूतिया बनाते, जंगली रमी जैसे ऐप बना के बोलते ब्लॉकचेन और एनएफटी इंथुजियास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, आई हैव डन इनफ रिसर्च ऑन यू, इफ यू आर किड आर वॉचिंग दिस वीडियो, If you are family members are watching this video, remember Vartik. तो तेरे को इतना बेशरम फील होगा ना, उनको तेरा बच्चा, तेरी वाइफ, तेरी माँ फील करवा के, जो भी तेरे रिलेशन में आता ना, तेरा बच्चा सोचेगा कैसा भड़वा बाप मिला है, तेरी वाइफ सोचेगी क्या गंदा नौरा मिला है बेंचर, और तेरा जो माँ सोचेगी कि क्या घटिया सब नौ महीने में चूतिये को पेट में। First of all, this तौकीर अहमद, ये अपने आप को इंजीनियर बोलता है, तौकीर तुम्हारा बर्थडे भी 15 सितंबर को आता है, और हाँ तू वर्ल्ड का सबसे धरती का बोझ वाला इंजीनियर तू ही पैदा हुआ है, पता है मेरे को। ये बाहर का भैंचो, ये दुबई का 14 आके इंडिया वालों को बोल के जाएगा और हम सुन लेंगे। रिटेल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रिटेल, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। हेलो ब्रो तौकीर, ब्रो तेरा नाम, इसका नाम अपन रखेंगे दल्ला नाम रखेंगे इसका। तो हेलो दल्ला माय फ्रेंड, your LinkedIn is so fucked up bro, LinkedIn is so fucked up, first of all your entire Instagram and Twitter is fucked up, bot follower se koi influencer nahi ban jata first of all, now I will show you, first of all you are owner of White Room Salon, Salo, White Room Salo is a cosmetic brand, a flop cosmetic brand in UK, that is in United Kingdom, so first of all pretending ek app ka naam Bunty Group of Industries ko khud ka claim mat karo, second thing you are master degree in international business and marketing at first of all 2012 se 2013 mein isne international business marketing ka course kiya tha, ye course 1.5 saal ka hota hai, aur 1 saal mein kaise ho gaya, are farji laude, senior investment manager hai one broker group jo band ho gaya, सेल डायरेक्टर एट वन ब्रोकर ग्रुप जो बंद हो गया, ओनर ऑफ व्हाइट रूम सैलो जो भैंचो फ्लॉप कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी जो यूके की रजिस्टर है। फर्स्ट आई रिसर्च अबाउट द व्हाइट रूम सैलो, देयर इज नो वन इन दैट कंपनी नेम एज तौकीर, क्या नाम है दल्ले का, तौकीर गिलकार, देयर इज नो वन इन दैट कंपनी। कोई रशियन कंट्री में जाऊंगा और वहां प्रिटेंड करना होगा कि Ya S8ul मेरी कंपनी है, ऐसा नहीं होता ना, जिसका होता है उसका ही होता है। हाँ सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर एट वन ग्रुप, वन ब्रोकर ग्रुप, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ओटोमन्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ब्रोकर LLC, कंपनी बंद है ये भी कंपनी, रिसर्च कर लिया मैंने। हाँ मार्केटिंग इंटर्न ब्लैकबेरी, औकात है तेरा ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी में मार्केटिंग इंटर्न है तू, देख लिया मैंने, देर इज अ वेबसाइट, तुम भी जाके देख सकते हो, देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड रीच करके, एक वेबसाइट आती है मार्केटिंग इंटर्न है ब्लैकबेरी में, औकात है इसका मार्केटिंग इंटर्न का, बॉट फॉलोअर्स का 14। मैं ब्लैकबेरी कंपनी में तो तौकीर गिलकार नाम का कोई काम नहीं करता, इन स्टारवर्ड ई-स्पोर्ट्स का धंधा रॉयल पास गिव अवे पे चलता है, तो ऐसी छोटी मोटी और गाते जाते रहती है, इसको इग्नोर किया करो, चूतिया लोग है, एंटी नेशनलिस्ट बैंड के लौड़े, बहुत ट्वीट किया ना कश्मीर पे वो, एंड गोल्डी भाई आई मीन सिल्वर भाई एंड रुशिंद्र ETH आई मीन रुशिंद्र सिन्हा भैया, अनफॉलो हिम, बॉयकॉट दैट गाय और ऑल द पीपल आउट देयर, हैशटैग बॉयकॉट STE, आई नीड दैट हैशटैग। तो अगले वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इंस्टाग्राम उड़ा दो मेरे को 2-3 डीएम में, हाँ थको बाप बना लिया बहन के लोड़े, अब तो थक तेरा बाप हो गया, तुम चूती हो मैं बोलता हूँ, थगवा हगवा भाई, सिल्वर भाई, गोल्डी भाई, अटक घातक, तुम इनका कभी स्ट्रैटेजी समझे चूती हो।
कोई भी चीज को ना उनसे सीखो। 15,000 सब्सक्राइबर्स करा दो जल्दी से, अभी 90,000 और सब्सक्राइबर चाहिए 100K के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। बैंड की चूत गाली तो दे दो, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे तुम्हारी वहां की, स्काउट की वहां की, घातक की वहां का। अगवा अगवा सिल्वर भाई राहुल से लेके रहेंगे, मोदी से लेके ममता, राहुल से लेके रहेंगे। अगवा अगवा बस गाली दे दी, डन। GodL डॉगल शोल ढोल हो गया, डन हो गया, डन हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।